तो दोस्तों फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे वीडियो पे। तो दोस्तों मैं हूं सरन और आप देख रहे हैं टेक्निकल जरूरी रिव्यू। तो दोस्तों आज की मैं इस वीडियो के जरिए आपको थंबनेल देखे पता ही चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक में बात करने वाला हूँ, कैसे क्या करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन प्रेस करते हैं। तो दोस्तों आज के मैं इस वीडियो के जरिए मैं बताऊंगा कि आप इनकम टैक्स इंडिया ई फिलिंग पे कैसे आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे साइन अप कर सकते हैं, आज इस वीडियो के जरिए बताऊंगा। अगर आपको मालूम नहीं है पहली बार आए, क्योंकि ये देखिए इनकम टैक्स इंडिया पूरा इंडिया का होता है दोस्तों, ये सरकार का होता है, गवर्नमेंट का होता है, लेकिन ये बहुत ही जरूरी होता है। इंडिया इनकम टैक्स इंडिया का जो ई फिलिंग होता है ये करना बहुत ही जरूरी होता है। ये प्रोसेस में डिटेल बताऊंगा कैसे कैसे आपको फिलअप करना है, कैसे कैसे क्या करना है, पूरा डिटेल इस वीडियो के जरिए मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखना होगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को बिना समय शुरू करते हैं। ओके तो फिलहाल मैं कंप्यूटर के डैशबोर्ड में, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे आना पड़ेगा। गूगल पे आपको सर्च करना है इनकम टैक्स इंडिया ई फिलिंग, देखिए इसमें सर्च इसी प्रकार आपको करना है इनकम टैक्स इंडिया ई फिलिंग पे। उसका इस पेज में आपको आएगा, तो यहीं पे क्लिक करना है, सबसे ऊपर जो दिख रहा है www.incometaxindiaefiling.gov.in, इसमें क्लिक करना होगा आपको। उसके बाद देखिएगा दोस्तों इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपको इस तरह का इंटरफेस, तो यहाँ से काट कर सकते हैं या तो कंटिन्यू टू होम पेज पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को शुरू करेगा, एक तो रजिस्टर योरसेल्फ, ये तो लॉग इन, ये तो रीसेट पासवर्ड, तो इस प्रकार शो करेगा। आप पहली बार आए तो रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर योरसेल्फ इसमें क्लिक कर देते हैं। जैसे इसमें क्लिक करेंगे दोस्तों आपको इस तरह का फिर से इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे देखिए सेलेक्ट यूजर टाइप, किस कौन सी यूजर टाइप, इंडिविजुअल, हिंदू, या इस प्रकार के कौन सा कैटेगरी में आप, तो बेहतर है आप इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करें। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका पांच डिटेल इसमें देने के लिए बोला, इसके बाद सुर नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक है, तो इस पर आप देना पड़ेगा। तो फिलहाल तब तक के लिए मैं यहाँ पे भर देता हूँ। ओके तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल मैं यहाँ पे फिलअप कर चुका हूँ। तो उसके यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पे क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा आप, ये पे आपको पासवर्ड देने के लिए बोल रहा है, ये पे पासवर्ड देना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देने के लिए। पासवर्ड कैसे देना है आपको मालूम है, आपको जो है लेटर्स देना होगा, करेक्टर्स देना होगा, उसके बाद साथ एक स्पेशल सिंबल्स देना होगा, साथ ही साथ एक करेक्टर, एक से ज्यादा लंबा कर दीजिए करेक्टर्स, ठीक है, तो आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख दीजिएगा, इसमें कंफर्म करना है। उसके नीचे बात करते हैं यहाँ पे प्राइमरी सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये सीक्रेट क्वेश्चन इसको आपको देना पड़ेगा। जैसे इसमें क्लिक कर देंगे आपको किस प्रकार के आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, जैसे इसमें आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इसके प्रकार आप ये पे आंसर भी देना होगा आपको, ठीक है। उस पर दूसरा सेकेंडरी क्वेश्चन आपको यहाँ पे अराइज करना होगा, फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके आप इस पे देना होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकेंडरी सेक्रेट आंसर यहाँ पे फिर से देना होगा। अगर ये हो जाता है आप यहाँ से शो करवा सकते हैं, ठीक है ना, आप अपने क्वेश्चन आंसर को। उसके बाद नीचे डिटेल कॉन्टेक्ट आपको इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे देखिएगा कॉन्टेक्ट डिटेल्स, यहाँ पे आपका लैंडर लाइन नंबर है तो लैंडलाइन नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा, अपना नंबर, इसका फैक्स नंबर घर में है तो उसमें दे दीजिएगा, उसे प्राइमरी मोबाइल नंबर है तो यहाँ से प्राइमरी मोबाइल नंबर इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्राइमरी मोबाइल नंबर यहाँ पे आप भर दीजिएगा। उसके प्राइमरी मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू, आप किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, सेल्फ खुद का है या पेरेंट या अपने बेटे बच्चों का, ब्रदर सिस्टर का या दोस्तों का, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आप अपने नीचे देखिएगा सेकंड मोबाइल में बिलोंग, तो ये तो हो गया। उसके बाद प्राइमरी ईमेल आईडी, आप ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी दे दीजिए, ईमेल आईडी देना बहुत जरूरी है दोस्तों, देना चाहिए। उसे प्राइमरी ईमेल आईडी बिलोंग्स टू किस रूप में, अगर आपके आपका ईमेल आईडी देने के बाद आपके मान लीजिए खुद के लिए है, या तो आपने अपने पेरेंट्स के लिए है, माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए है, अपने भाई बहन के लिए, अपने दोस्तों के लिए है, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ है तो खुद का है तो सेल्फ पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंडरी ईमेल देखिएगा, सेकेंडरी ईमेल है तो आप दे दीजिएगा, अगर है तो दे दीजिए, नहीं तो इसमें आप खाली ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद भी इसी तरह यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना खुद का, किसी और का है। उसके बाद देखिए एड्रेस ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल एड्रेस यहाँ पे ऐड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए कंट्री, सबसे पहले अपना कौन सा कंट्री में से है, इंडिया, तो इंडिया कौन सा कंट्री सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद फ्लैट दो बिल्डिंग, आप कहाँ से है, अपना घर का दे सकते हैं एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे कि आप मैं यहाँ रहता हूँ खुद के, दे दीजिएगा। इसका रोड स्ट्रीट, आप कौन सा स्ट्रीट में पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे आप कोई भी गली, कौन सा गली कौन सा गली का नाम यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके पिन कोड यहाँ सही सही डाल दीजिएगा। उसका एरिया या लोकेलिटी कौन सा है यहाँ पे डाल दीजिए सिलेक्ट करके, जैसे कि आप, जैसे कि मैं बोध गया रहता हूँ, बोध गया मेरा लोकेलिटी एरिया होगा, बोध गया इसी प्रकार। उसके बाद यहाँ पोस्ट ऑफिस कहाँ की है, तो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आपको डाल लेना होगा, पोस्ट ऑफिस। उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जैसे बोध गया तो गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गया इसमें देना होगा। उसका स्टेट जो है यहाँ ऑटोमेटिक आपको शो करने लगेगा, यहाँ पे बिहार है तो बिहार देना पड़ेगा, आप जिस स्टेट से है उस प्रकार फिलअप करना। तब तक के लिए मैं इसको फिलअप कर देता हूँ दोस्तों। ओके तो दोस्तों देख लीजिएगा फिलहाल मैं यहाँ पे फिलअप कर चुका हूँ, यहाँ पे सब कुछ सही सही भर देना आप, जैसे कि मैं भर दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, इसी प्रकार जैसे कि मैंने बोला था। उसके बाद आप यहाँ करेंगे, यहाँ पे नीचे जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का बटन पे आपको क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप देख लीजिए इसी प्रकार का आपको शो करेगा, यहाँ पे ओटीपी, एक आपको मोबाइल नंबर पे, एक आपने जीमेल आईडी पे जो दे दिया है वो पे आप दे भेज दिया, उसमें से आपको कंफर्म करना पड़ेगा। आपको यहाँ से देखिए इसका यहाँ पे कंफर्म पेपर में आपको क्लिक करना होगा।
जैसे इसमें क्लिक कर देंगे दोस्तों, आपके जीमेल में एक ओटीपी आया होगा, उसके अपने मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया होगा, यहाँ पे भर देना होगा सही सही। आप फिलहाल मैं इसको भर देता हूँ, तो देख लीजिए दोस्तों आप सही सही भर देना। इसमें मैं भर चुका हूँ, मैं अपने ओटीपी यहाँ पे डाल दे दिया है, इसमें जीमेल का भी और मोबाइल का भी। इसके बाद यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पे आपको करना होगा। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आ जाता तो आपको यहाँ रिसेंट ओटीपी का ऑप्शन आपको इसमें शो करेगा, यहाँ पे रिसेंट पे कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर नहीं आता है तो, अगर आ गया तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट के ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे कंफर्म हो गया। यहाँ पे ध्यान से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे देखिए थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग इन ई फिलिंग योर ट्रांजेक्शन आईडी, ये है आपका ट्रांजेक्शन आईडी, ये देख सकते हैं ये आपका ट्रांजेक्शन आईडी रहेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे योर यूजर आईडी आपका, जैसे कि आपने दिया था आपका पैन कार्ड का नंबर आईडी, आपका पैन कार्ड का नंबर होगा दोस्तों, ठीक है। पैन कार्ड का यानी आपका पैन कार्ड, यहाँ देख लीजिए परमानेंट अकाउंट नंबर का, यहाँ आपका यूजर आईडी रहेगा। उसके बाद अपना पासवर्ड जो चुन लिया था उसको होगा, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर इसका शो करेगा, यहाँ पे हो गया। आप चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट अच्छे से रख सकते हैं। अगर इसमें हो जाता है यहाँ पे नीचे देखेगा ये आप क्लिक किया तो लॉगिन, यहाँ पे आपको लॉगिन होना होगा, इसलिए क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको लॉगिन होना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। अब यहाँ से यहाँ पे दोस्तों आप सही सही भर दें, यहाँ पे यूजर आईडी आप जो है अपना जो है पैन कार्ड का नंबर होगा, उसे अपना पासवर्ड जो आपने बनाया था यहाँ पे पासवर्ड, उसके बाद आप कैप्चा कोड जो इसमें शो कर रहा है तो इसमें कैप्चा डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन के बटन, या तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे विजुअली चैलेंज आप दे सकते हैं ओटीपी के आधार पर, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दीजिए लॉगिन के बटन में हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों, इस तरह का आपको साथ आपको ऑप्शन शो करने लगेगा। यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें शो कर रहा है, यहाँ पे देखिएगा स्टेप प्लीज वेरीफाई द नेम डेट ऑफ बर्थ, अपना इसमें वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर है तो आधार नंबर यहाँ देने के लिए बोल रहा है, नेम एज पर आधार, अपना नाम यहाँ पे आधार का नाम इसमें देने के लिए बोल रहा है। इसका वेरीफाई कर सकते हैं, इसमें आप इसे फिलअप कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो इसको मैं बाद में करता हूं, इसका लेटर पे कर देता हूं। उसके बाद आपको इस तरह का, इसके बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं, आपका डैशबोर्ड यहाँ पे खुलेगा, इसमें माय अकाउंट, ई फिलिंग प्रोसीडिंग सब कुछ, ठीक है। इनकम टैक्स इंडिया ई फिलिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत ही अच्छा है। इसके बाद मैं आपके लिए और एक चीज वीडियो बना के लाऊंगा दोस्तों, जहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप देख लीजिएगा। ओके तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया डिटेल कंप्यूटर मोबाइल से, देखिए ये चीज आप जो है मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर अगर पीसी नहीं है तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप में करना है क्रोम ब्राउज़र को, उसके बाद आप वहां से कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों बताई गई जानकारी आपको पसंद आया, पसंद है लाइक कर दे वीडियो को, और हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, दोस्तों बाय।